हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनकेआर लर्निंग क्लासेस। आपका फिर से स्वागत है आपके एनकेआर लर्निंग क्लासेस में। तो देखिए, हम अपना चैप्टर अब करने वाले हैं कंप्लीट, क्योंकि हमने पढ़ लिया था अपना लेंस फार्मूला लास्ट लेक्चर में और मैग्नीफिकेशन पढ़ लिया था। अब देखिए, जो हमारा टॉपिक्स रह गए हैं वो है पावर ऑफ लेंस एंड कॉनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब ये हमारे दो टॉपिक रह गए हैं। तो आज इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं अपना कॉनकेव लेंस की जो इमेज फॉर्म होंगी। उससे पहले कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस के मैंने आपको 3 रूल्स आपको एक्सप्लेन किए थे। तो उसी रूल अब हम क्या करेंगे कि कॉनकेव लेंस के रूल्स को एक्सप्लेन करेंगे फर्स्टली, देन करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव लेंस। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर्स और रह जाएंगे इस लेक्चर के बाद, फिर चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपने चलते हैं फिर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर पर। ठीक है स्टूडेंट, ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली जान लीजिए, अब स्टार्ट होने वाला है हमारा कॉनकेव लेंस। तो मैंने आपको बता दिया था कि कॉनकेव लेंस होता कैसे है, पहले तो देख लीजिए। अब कॉनकेव लेंस स्टार्ट होने वाला है, तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि कॉनकेव लेंस हमारा कैसा होता है, किस तरीके के बना होता है। तो ये ऐसा हमारा कॉनकेव लेंस होता है स्टूडेंट, ये हमारा लाइन होती है जो कि बीचों बीच होती है कॉनकेव लेंस के। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जैसे कि आपको पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और जी हमारा ये जो होता है एक्स एंड वाई से डिनोट किया जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, या एक्स डैश या वाई डैश से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा होता है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर होता है, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, या फिर आप ओ से भी कर सकते हो, सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होता है, देखिए जो कॉन्वेक्स लेंस में थी फोकस, यहाँ पे एक्चुअल थी, यहाँ पे एफ डैश था, लेकिन इसकी जो एक्चुअल फोकस है वो यहाँ पे होती है, यहाँ पे एफ डैश होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एफ डैश यहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये तो कुछ हो गए पार्ट्स, ये कुछ बातें हो गई हमारी कॉनकेव लेंस के बारे में। तो फर्स्टली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो फोकस होती है इसके अंदर हमेशा नेगेटिव होती है, इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। जब नेगेटिव होती है तो आपको पता ही चल गया होगा कि लेफ्ट हैंड साइड होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्पेरिकल कन्वेंशन मेथड। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव हो गई। अब देखिए, जान लेते हैं कि हमारे रूल्स बोले क्या हैं, क्या क्या रूल्स हैं हमारे, 3 टाइप्स के रूल्स हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम एक फर्स्ट रूल समझते हैं, रूल फर्स्ट, फिर आपको थ्योरेटिकल भी दिखाऊंगा मैं। फर्स्टली आप ये समझ लीजिए, जो समझने वाली बात है, ये हमारा लेंस है। ठीक है, ये लेंस हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, ये जो जैसे कि मैंने आपको बताया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा सी, यहाँ पे हो गया फोकस, यहाँ पे हो गया एफ डैश, ये जो दोनों हैं एक ही, इनकी जो फोकल लेंथ की डिस्टेंस है वो सेम होगी। जैसे कि ये जो फोकस है यहाँ से एफ डैश, अगर 3 मीटर दूरी पर है तो ये भी हमारा एफ भी 3 मीटर दूरी पर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखिए, इसमें फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट रूल है उसमें बताया गया है कि कोई रे ऑफ लाइट पड़ रही है हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो लाइट आ रही है ये हमारी जा रही है किससे, फोकस से होकर निकलती है, क्योंकि जो आपको पता है रूल के अकॉर्डिंग जब कोई भी लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन होकर निकल तो ऐसे जाती है, लेकिन जाती कहाँ पर है, वो फोकस से होकर निकलती है। ठीक है, किससे होकर निकलती है, फोकस से होकर। तो ये जो लाइट निकल रही है हमारी, रिफ्लेक्ट हो रही है, वो किससे हो रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। तो यही रूल फर्स्ट नंबर में बताया गया है आपको। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि कोई रे ऑफ लाइट अगर हमारी पैरेलल आती है, पैरेलल पड़ती है किसी भी कॉनकेव लेंस पर, तो वो किससे होकर गुजरती है, वो किससे होकर निकलती है, हमारी फोकस से होकर निकलती है आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन हुआ तो ये हमारी फोकस से होकर गुजरी। तो हमारा जो सेकंड रूल है, सेकंड रूल के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो सेकंड रूल में एक सिंपली क्या किया गया है, देखिए रूल नंबर सेकंड देख लेते हैं, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे रूल नंबर सेकंड में हमारा लेंस बनाया, लेंस बनाने के बाद, सॉरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी ही है मेरी, यहाँ पे लेंस बना दिया हमने कॉनकेव लेंस। ठीक है, बस आप समझ लेना, मैं आपको फिर थ्योरेटिकल भी दिखाऊंगा। लेंस बना दिया कॉनकेव लेंस, अब इस सेकंड रूल में सिंपल सा रूल है ये, इसके अंदर एक रे ऑफ लाइट पास करा दी किस पे होके, जो कि पड़ी है किस पे होके, सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर पे होके। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब इस पर रे ऑफ लाइट डाली तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हुआ, वो स्ट्रेट चली गई, जिस पाथ में थी उसी पाथ में स्ट्रेट चली गई। तो ये हमारा रूल हो गया रूल नंबर सेकंड, इसको बोलेंगे रूल नंबर सेकंड। अब रूल नंबर थर्ड पे आते हैं स्टूडेंट अपने, जो हमारा रूल नंबर थर्ड है, तो देख लीजिए रूल नंबर थर्ड हमारा क्या है, आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए रूल नंबर थर्ड पे ये है कि अगर हमने कोई भी रे ऑफ लाइट अपनी फोकस पे डाली, कोई भी रे ऑफ लाइट हम अगर फोकस पे डालते हैं, अपनी रे ऑफ लाइट कोई भी फोकस पे डालते हैं, एफ यहाँ पे हो गया एफ, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई भी रे ऑफ लाइट डाली हमारी, ये हो गई हमारी फोकस पे होके डाली,
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जाएगी पैरेलल, किसके पैरेलल, किसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी ना, ये हमारा रूल है रूल नंबर थर्ड, जो कि अपोजिट है हमें, हमारा रूल किससे, रूल से अपोजिट है, रूल नंबर फर्स्ट से बिल्कुल अपोजिट है स्टूडेंट। अब देखिए समझ लीजिए, आपको समझा देते हैं कि टोटल जो हमारा कन्वर्सेशन हुई है वो कैसे हुई है। तो फर्स्ट रूल से स्टार्ट करते हैं हमारा, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा जैसे कि मैंने आपको रफ पे बताया था। तो रूल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इसका आपको बस ये याद रखना है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल पड़ती है तो कहाँ से होकर गुजरती है, बस आपको ये याद रखना है। तो देखिए इस पे रे ऑफ लाइट पड़ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब प्रिंसिपल एक्सिस से पड़ रही है अपीयर टू द कमिंग फ्रॉम फोकस, तो रिफ्लेक्शन होगा तो कहाँ से आ रही है, कहाँ से कम आ रही, कहाँ से आ रही है, फोकस से होकर आ रही है, हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पे हो गया ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ऑफ द कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के अंदर अपीयर टू द कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस, वो कहाँ से आ रही है, फोकस से होकर आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू इट द लेंस, किसके बाद, जब रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ होकर आ रही है वो, ये जो रिफ्लेक्शन हुआ ये कहाँ से आ रही है, ये आ रही है हमारी फोकस से होकर आ रही है, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट ये आपका हो गया। अब देखिए चलते हैं हम अपने रूल नंबर सेकंड पर, तो रूल नंबर सेकंड और केस देखिए आपको बता दें, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट हम पास कराते हैं किसी ऑप्टिकल सेंटर से, कॉनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो स्ट्रेट चली जाएगी। देखिए यहाँ पर बताया गया ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट, वो हमारी स्ट्रेट चली जाती है लाइन, ठीक है। आफ्टर रेज जो होती है हमारी लाइट रेज, अगर हम किसी भी लाइट रेज को ऑप्टिकल सेंटर पे पास कराते हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो हमारी गोज स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट चली जाती है उसको, ठीक है। अब देखिए इसमें बताया गया है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है हमारी रे ऑफ लाइट तो क्या होता है, कॉनकेव लेंस में वो इज स्ट्रेट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, जब पास होगी लेंस से तो स्ट्रेट चली जाएगी, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखा दिया गया है। अब चलते हैं अपने रूल नंबर थर्ड पर, देखिए रूल नंबर थर्ड में इसलिए मैं यही बताया गया है कि आपको रूल नंबर थर्ड है ए रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द फोकस, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट हमारी फोकस पर जाती है, ये देखिए अगर कोई भी रे ऑफ लाइट हमारी फोकस पे पड़ती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के, वो किसके पैरेलल हो जाएगी फिर, प्रिंसिपल एक्सिस के हो जाएगी। देखिए ए रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द फोकस ऑफ ए कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में अगर फोकस पे पड़ती है बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो हो जाती है पैरेलल, हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, कब पैरेलल होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल होगी, जब रिफ्लेक्शन होगा उस लाइट का, ये लाइट जो आपने अज्यूम कर ली गई ये फोकस पे पड़ रही है, लेकिन ये फोकस पे पड़ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। तो ये पैरेलल चली गई, ठीक है। तो इसमें बताया यही गया है कि द रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स द फोकस, अगर फोकस पे हमारी रे ऑफ लाइट जाती है ऑफ ए कॉनकेव लेंस के अंदर, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हो जाती है किसके पैरेलल, हो जाती है किसके प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही बताना था, ये रूल बताना था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम केस करेंगे इसके फॉर्मेशन ऑफ इमेज करेंगे तो ये रूल आपके काम आने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।